सर्दियों के मौसम में अगर अच्छी सी बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय हो, वो भी मसाला वाला चाय हो, तो बात ही कुछ और है। और उसके साथ साथ दोस्तों गर्मा गर्म समोसा या पकौड़ा मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। कुछ नहीं तो दोस्तों बिस्किट ही सही। तो दोस्तों इस चाय की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये नॉर्मल वही चाय नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो दोस्तों इस चाय को एक बार बनाना तो बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल वंदना होममेड किचन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस चाय को जल्दी से बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रेश, हाँ एकदम फ्रेश चाय का मसाला बनाना होगा। तो चाय के मसाले के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कुछ इलायची, और हमें चाहिए उसके साथ साथ थोड़ी सी लौंग, और 8 से 10 हमें चाहिए काली मिर्च, और उसके साथ साथ 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पर सौंफ, और 1 छोटी अदरक का टुकड़ा। तो इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सी में नहीं कूट कर अच्छे से इसका पाउडर बना देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा से आएगा। तो फिर चलिए चाय बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाय बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, फिर ध्यान रखिए फ्रीज में पड़ा हुआ पुराना दूध नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश दूध ही लेना है, और यहाँ पर कच्चा दूध ही हमें लेना है। बहुत ही बढ़िया चाय बनेगी कच्चे दूध लेने से। ध्यान रखिए यहाँ पर पहले से उबाला हुआ दूध मत लीजिए। फिर हमें क्या करेंगे, इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से दूध को उबालेंगे। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फिर हमें क्या करेंगे, इसमें चाय पत्ती डाल देंगे और चाय पत्ती को अच्छे से पकाएंगे दूध में। चाय पत्ती को अच्छे से पकाएंगे तो चाय पत्ती का भी स्वाद चाय में आएगा। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है, वो इसमें खास ये है कि हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं मिला है, और पहले से पका हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध, वो भी फ्रेश बिना फैट वाले दूध हमने इसमें यूज़ की है। अगर आप फैट वाला दूध यूज़ करेंगे तो उसमें जो मलाई का टेस्ट है वो इस चाय में आ जाएगा, लेकिन हमें वो मलाई वाला टेस्ट नहीं चाहिए। इसमें हमें मसाला, चाय पत्ती और दूध का बैलेंस चाहिए इसका फ्लेवर। तो हमें क्या करेंगे, इसको अच्छे से इसमें पकाएंगे, और ये देखिए कितना अच्छे से पक रहा है। फिर हम इसमें डाल देंगे कूटी हुई अदरक, फिर थोड़ी और देर इसको अच्छे से पकाएंगे। फिर जब ये अच्छे से पक जाएगा, फिर ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी कितना चेंज हो रहा है। फिर जब ये अच्छे से पक जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे जो पहले से बना के रखी हुई थी चाय का मसाला। वैसे हम सब सारे मसाला इसमें यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे जो कि हम एंड में सजाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि चाय ना नीचे लगे ना ऊपर उभर कर आ जाए। ये देखिए हमारा चाय लगभग 60% तैयार हो चुका है। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कलर कम है तो और चाय पत्ती डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा चाय बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप इसे जब बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो फिर दोस्तों देखिए हमारा चाय बन गया है, अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। तो फिर मैंने यहाँ पर 2 कप बनाई है, तो 2 कप दी है। फिर इसको अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। फिर हमने जो बचा कर रखे थे मसाला, उसके ऊपर हम इसे डाल देंगे। ये देखिए लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी मसाला चाय। हमारा मसाला चाय बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।